एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। तो स्टार्ट करने वाले क्या मूल कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मूल क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी सिंपल से भाषा में बात करें मूल क्या है। यदि आप सबको पूछे बताओ यार मूल क्या है, तो सिंपल से भाषा में बोलना मूल एक काउंटिंग यूनिट है। काउंटिंग यूनिट जैसे 1 2 3 कैसे काउंट करते हो, वैसे मोल एक काउंटिंग यूनिट है। किसका? किसी से भी सब्सटेंस को काउंट करने का एक काउंटिंग यूनिट है। अब यानी मोल सिंपल से भाषा में कहें इट इज द ऐसा यूनिट टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। ये तो किताब भी ज्ञान हो गया, लेकिन अब किताब भी ज्ञान के चक्कर में नहीं रहना तुम्हें। यानी सिंपल सी भाषा में बोलना है मोल एक काउंटिंग यूनिट है सर। जैसे आप एक दर्जन अंडे लेते हो तो कितना अंडा मिलता है? 12। एक दर्जन केला लेते हो कितना मिलता है? 12 मिलता है ना यार। वैसे ही एक मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। 1 मोल जो आप मोल बोल रहे हैं ना वो भी काउंटिंग यूनिट है। वो कितने के बराबर होता है बताओ? आप लोग पढ़े भी होंगे कितना, 6.023 × 10³। क्या केमिकल यूनिट्स, और ये केमिकल यूनिट्स एटम भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी आज के बाद तुम्हें बोले कि एक मोल दो सोडियम दो, एक मोल सोडियम दो, इसका मतलब क्या 6.02 × 10³ एटम्स किसका दो? सोडियम का दो। जैसे अभी अरे दुकान में गया तो बोला एक दर्जन पेन दो, तो कितना पेन दिया? 12। वैसे हम केमिस्ट वाले शॉप में गए, लैबोरेटरी में गए केमिस्ट्री के, तो बोलोगे सर एक मोल सोडियम दो, तो कितना देगा? 6.02 × 10³ एटम्स ऑफ सोडियम देगा। बोलोगे एक मोल सर वाटर दीजिए, इसका मतलब 6.023 × 10³ क्या देगा? मॉलिक्यूल्स देगा, ठीक है। वैसे ही बोलोगे 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन Cl- क्लोराइड आयन की बात करें, इसका मतलब 6.02 × 10³ क्या आयंस देगा तुम्हें। यानी कह सकते हैं क्या, ठीक है, देखिए समझिए। अच्छा इस नंबर को कुछ बोलते हैं ना, एक बात और बता दो मैं, क्या बोलते हैं बेटा? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो इस नंबर को बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? Na से, ठीक है। जहां भी Na लिखा रहे हैं मतलब कौन सा नंबर समझ जाना, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6.02 × 10³³, ठीक है। यानी मोल सिंपल सी भाषा में क्या है? काउंटिंग यूनिट है, जो कि कितना के बराबर होता है? 6.023 × 10³³ केमिकल यूनिट्स के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है? अरे बताओ यार, अरे रामू बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं मोल, तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। यानी मोल केमिकल यूनिट्स, सॉरी फिर से मैं बोलूं, ठीक है, मोल एक काउंटिंग यूनिट्स है। सिंपल सी भाषा में मैं बोल रहा हूं कि मोल क्या है? काउंटिंग यूनिट्स है, जो कि कितना के बराबर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना? 6.02 × 10³³। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। 1 मोल एटम ये, इसका मतलब क्या बताओ? इसका मतलब Na एटम्स लिए, ठीक है, और इसको 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं, 1 ग्राम एटम भी बोलेंगे, ग्राम एटम भी बोलेंगे, ठीक है, 1 ग्राम एटम भी हम बोलेंगे, क्लियर हो रहा है? ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कर लीजिए, मॉलिक्यूल तो क्या बोलेंगे? एनी मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, या बोलेंगे क्या वन क्या ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलेंगे, वन ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, वन मोल आयन लिए, इसका मतलब एनी आयंस लिए, कितने आयंस लिए, एनी आयंस लिए, ठीक है, और इसको वन ग्राम आयंस भी बोलेंगे हम, यानी सबसे पहले बहुत ये जान लो ना, वन मोल एटम को वन ग्राम एटम भी कहते हैं, यानी फॉर एलिमेंट की बात करें, यानी एलिमेंट का एक यानी मोल ही ग्राम एटम है, समझ लो, पहले ये समझ में आ रहा है सबको कि एक मोल बराबर एन एटम, एक मोल बराबर एन मोल कंपाउंड है, तो इसका एन मॉलिक्यूल्स लिखेंगे ना, ठीक है, एलिमेंट का फंडामेंटल पार्ट क्या होता है, एटम, समझ में ये सब आता है ना तुम्हें, ठीक है, चलो तो वैसे जैसे वन मोल सोडियम लिया, इसका मतलब एन सोडियम लिया, ठीक है, वन मोल ऑफ वाटर लिया, इसका मतलब एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है, वन मोल ऑफ एन ए प्लस लिया आयन, तो क्या बोलेंगे, एन ए आयंस लेंगे ऑफ, ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने वाला हूं कि वन मोल एटम को वन ग्राम एटम भी बोल सकते हैं, वन मोल मॉलिक्यूल को वन ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, वन मोल आयन को वन ग्राम आयन भी बोलते हैं, ग्राम एटम इज अ नॉट मास, ग्राम एटम इज बेसिकली मोल, ठीक है, यानी मोल का ही दूसरा नाम क्या है, ग्राम एटम, ठीक है, वैसे ही मोल का ही दूसरा नाम क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल, यानी हम अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कि बोलेगा नंबर ऑफ मोल निकालो, उसके पहले तुम्हें बोल देगा ठीक है नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालो, बात एक ही है, यदि हम किसी एलिमेंट के लिए बात करें, यदि एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ मोल निकालने बोलेगा या नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने बोलेगा, बात एक ही है, उसी तरह से कंपाउंड के लिए बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने बोलेगा या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने बोलेगा, एक ही बात है, यदि ग्राम एटम इज नॉट मास, ग्राम एटम इज मोल, ग्राम मॉलिक्यूल इज ऑल्सो मोल, ग्राम आयन इज ऑल्सो मोल, ठीक है, यानी मोल का दूसरा नाम है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ग्राम एटम निकालने बोल रहा है यानी एलिमेंट उस पार्टिकुलर एलिमेंट का मोल निकालने बोल रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल निकालने बोल रहा है इसका मतलब उस पार्टिकुलर कंपाउंड का क्या निकालने बोल रहा है, मोल निकालने बोल रहा है, ठीक है, ग्राम आयन निकालने बोल रहा है इसका मतलब उस पार्टिकुलर आयन का मोल निकालने बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, यानी मोल को हम ग्राम एटम भी बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ग्राम एटम ग्राम आयन भी बोल सकते हैं, तो ग्राम एटम किसके लिए बोलना है, एलिमेंट के लिए, ठीक है, कंपाउंड के लिए क्या बोलना है, ग्राम मॉलिक्यूल, मोल का दूसरा नाम, आयंस के लिए क्या बोलना है, ग्राम आयंस, ठीक है, समझ में आया, क्लियर, अब देखो एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, देखो जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल लिया, देखो बोला वन मोल सोडियम ले लो यार, इसका मतलब क्या लोगे, 6. या एन ए लिखो, एन ए एटम्स लोगे सोडियम का, ठीक है, वन मोल एच टू ओ ले लो, इसका मतलब एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ लोगे, ठीक है, वन मोल क्या एन ए प्लस ले लो, इसका मतलब क्या एन ए आइंस लोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, सबको क्लियर है, ठीक है, तो मैंने आपको मोल की बेसिक्स डिफिनेशन आपको सिखा दिया, ठीक है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सोचिए तो कि हम लोग ये कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है उससे मोल में बदलना है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, एटम मॉलिक्यूल साइंस ये सब क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं यार,
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और हमें क्या निकालना है? मोल निकालना है। ठीक है, मोल निकालना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो देखो ना, मान लीजिए कहा गया कि आपको 20 एटम्स ऑफ सोडियम में कितने मोल होंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम इन 20 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, 20 एटम्स ऑफ सोडियम आपने लिया, इसमें क्या निकाला? नंबर ऑफ मोल्स निकालना। 20 एटम्स ऑफ सोडियम में क्या निकाला? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो क्या करोगे? यूनिट में से लगाओगे ना कि एनए एटम में 1 मोल लगाओ ना, एनए एटम सोडियम का लोगे तो कितना मोल? 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस का एनए एटम लेंगे तो 1 मोल के बराबर होगा, यदि हम बात करें एलिमेंट के लिए। ठीक है, एनए एटम लेंगे तो 1 मोल के बराबर होगा, तो इसमें एक एटम में कितना मोल? 1/n मोल। इसलिए आपके पास एटम कितना है? 20। तो 20 एटम में कितना? 20/n। ये देखो ऊपर में क्या रखा आपने? नंबर ऑफ एटम। और नीचे में क्या रखा? एवोगाड्रो नंबर। समझ में आया? यानी नंबर ऑफ एटम को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर रहे तो क्या आ रहा है? मोल आ रहा है। जिस तरह से आपने एलिमेंट के लिए किया वैसे ही कंपाउंड के लिए कर सकते हैं, आयंस के लिए भी कर सकते हैं। यदि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अरे एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल एटम्स है, कंपाउंड का क्या है? मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हम बात जो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ होल, ठीक है, बाय यूजिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यूज करके हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। तो मोल निकालने का मैंने एक फॉर्मूला दिया है। सबसे पहला क्या ऊपर में क्या लिखा आपने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हो गया क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आई क्या? एमए, एवोगाड्रो नंबर। और ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है जी बताओ? एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और बताओ जी क्या हो सकता है? आयंस भी हो सकते हैं। ये पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल साइंस कुछ भी हो सकते हैं। यानी अरे यार 12 बजे रात को कोई सपना में धक्का मार दिया, 1,00,000 मारा तुमने, अब पूछा अरे यार बता कि नंबर पार्टिकल्स दिया रहेगा, मूल निकालना, क्या करोगे? तो बोला यार जाओ एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लो ना, एन से डिवाइड कर लो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या पूछ रहे तुमसे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, मूल निकालना, क्या करोगे? एन से डिवाइड करोगे। यानी मन में बात दौड़ाते हैं ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा, वो मोल निकालना है, सच्चा सारे एन से डिवाइड करेंगे। या उल्टा भी सोच सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो और मोल दिया गया, एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोल रहे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो और मोल दिया गया हो तो मोल इंटू एन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों सोचना कि पहला एक सोचोगे दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा ना कि अरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। ठीक है, सबको इतना क्लियर है? नोट करो, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मोल का दूसरा नाम बताया था ना मैंने, एलिमेंट के लिए क्या बताया था? बोलो शंभू क्या बताया था? एलिमेंट के लिए मोल का दूसरा नाम ग्राम एटम, कंपाउंड के लिए ग्राम मॉलिक्यूल, आयंस के लिए ग्राम एटम, ग्राम आयंस। ठीक है, बैठो। हाँ, फिर से मैं रिकॉल कर दूं, एलिमेंट के लिए बात करें तो मोल का दूसरा नाम ग्राम एटम, कंपाउंड के लिए ग्राम मॉलिक्यूल, और आयंस के लिए ग्राम आयंस। ठीक है, ये मोल का ही दूसरा नाम है, नाम बदल बदल के तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कर लिया। अब जो बात करने वाले हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास देखिए, जैसा कि हम जानते हैं एटॉमिक मास क्या है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तो सारे बच्चे जानते हैं एटॉमिक मास,
इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करेंगे इसको मैं समझाता हूं। बेसिकली एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। लेकिन हम इसको फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करेंगे ये समझना, ठीक है। जैसे आप बोलते हो कि सोडियम के एटॉमिक मास 23 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोडियम के तेगे, देखो समझो फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो सोडियम का एटॉमिक मास आप 23 बोलते हो उसका मीनिंग क्या है ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो मीनिंग यहां से समझ में आएगा। देखिए मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए ठीक है। ऊपर में लिख रहा हूं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अ डिवाइडर बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है। ये C12 क्या है? कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। कहा गया इसको एक टर्म बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट AMU। ये जो नीचे वाला टर्म लिखा गया इसका मीनिंग क्या है इसको इसको पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू जो होगा उसको हम AMU पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? कार्बन के एक एटम के मास का 12वां भाग। कार्बन के एक एटम के मास का कितना भाग? 12वां भाग यदि ले लिया तो वही क्या होगा? AMU होगा, एटॉमिक मास यूनिट। लिख देता हूं पूरा, क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया? एटॉमिक मास यूनिट क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बोल रहा था कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 लिखा गया है, इसका मीनिंग क्या है? ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि 1 AMU के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड 1 AMU, ठीक है, AMU या 1 AMU बोले, 1 AMU के रिस्पेक्ट में कि सोडियम के एक एटम का मास 23 गुना है। फिर से बोलेंगे, जैसे आप बोलते हैं कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, इसका मतलब मीनिंग क्या है? कि कैल्शियम के एक एटम का मास 1 AMU को रिस्पेक्ट में 40 गुना है, ठीक है। देखिए ना, एटॉमिक मास यही ना बता रहा है, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय क्या, AMU या 1 AMU बोले, यानी 1 AMU के रिस्पेक्ट में ये कितना टाइम्स हैवियर है वही बता रहा है एटॉमिक मास, ठीक है। 1 AMU के रिस्पेक्ट में एक एटम का मास कितना टाइम्स हैवियर है वही तो बताता है एटॉमिक मास। यानी सोडियम का एटॉमिक मास 23 बोलते हैं, इसका मतलब 1 AMU के रिस्पेक्ट में कितना गुना भारी है? 23 गुना, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यार, अच्छा एटॉमिक मास का कोई यूनिट लेंगे आप? नहीं, ऊपर में भी मास नीचे में भी मास, ठीक है। मास मास का यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देयर इज नो यूनिट। अब एक बात करो तो यहां से देखो तो कि मास ऑफ वन एटम इक्वल टू क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास में किससे मल्टीप्लाई कर दो? AMU से। देख लो, यदि एटॉमिक मास जैसे सोडियम का एटॉमिक मास बोले तो सिर्फ कितना बोलेंगे? 23। एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, देखिए ऊपर में भी मास नीचे में भी मास, तो मास मास का यूनिट कैंसिल हो जाएगा ना, तो एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं लिखना है। लेकिन मास ऑफ वन एटम बोलेगा तो एटॉमिक मास में किससे मल्टीप्लाई कर देना? AMU से मल्टीप्लाई कर देना। मास ऑफ कितना एटम निकल जाएगा? वन एटम निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी यहां से पॉइंट बनाया नोट में कि सर मास ऑफ वन एटम निकालना है, ठीक है,
मास ऑफ वन एटम निकालना है तो क्या करेंगे, एक एटम का मास चाहिए तो क्या करेंगे, उसकी एटॉमिक मास और इनटू क्या एमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। बोलो सर एक एमयू क्या है, मैं बता रहा हूं ना कि कार्बन के एक एटम के मास का कितना बार बारहवां भाग ले लोगों वही एमयू। मैं अभी इसके बाद सॉल्व करके बताऊंगा वन एमयू की वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसी ने बोला कि सर वन बाई ट्वेल्व ही क्यों ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ सी ट्वेल्व क्यों, कार्बन के एक एटम का मास का बारहवां भाग ही क्यों। तो देखिए किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए कोई रेफरेंस लिया जाता है, जैसे बोलते हो ठीक है कि ऐसे समझो ना कि बोलते हो क्या कि हम हमारा वेट 5 kg है, मान लो मैं ऐसे मेरा वेट 5 kg नहीं है, मेरा वेट 75 kg है ठीक है। तो 75 kg आप अनुमान कैसे लगाए, सर आप तौले होंगे वेट के होंगे या तो बेरिंग मशीन पे किए होंगे या आप तराजू बटखारा नाम सुनते हैं तराजू उस पे तौलाए होंगे सर आप ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरा कोई रेफरेंस लिया गया ना कि वो जो तराजू बटखारे हैं जो बटखारा समझते होंगे गांव वाले शहर वाले आदमी सब देखे होंगे मोदी यानी क्या बोलते हैं शॉपकीपर के दुकान में मिलेगा या ठीक है शॉपकीपर के पास जाएंगे शॉपकीपर जो भी किराना स्टोर है सब में मिल जाएगा तुम्हें ठीक है। तो क्या आप सर किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि हम इतना केजी मेरा वजन है ठीक है, तो वैसे ही बात कर रहे हैं कि एक रेफरेंस लिया गया बोलते तो नहीं ये ठीक है देखो समझो एक रेफरेंस लिया गया। बोले सर रेफरेंस इसी को क्या हम पहले दूसरा रेफरेंस यूज करते थे भी इसको 1/16 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 भी लेते थे हम 1/16 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 भी लिखते थे इससे भी डिफाइन कर सकते हैं 1 एमयू को यानी एक रेफरेंस बनाया गया उसी के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम किसी भी एटम पे मास के बारे में बात करते हैं यानी एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं बेसिकली ठीक है। चलो तो समझ में आ गया यानी एक एटम का मास निकालना क्या करोगे एटॉमिक मास में इसकी सिमेट्री क्या कर दो एमयू से। अच्छा किसी का एटॉमिक मास पूछेगा तो बेसिकली कोई यूनिट नहीं बोलना, ये सोडियम का एटॉमिक मास बोलेगा तो सिर्फ 23। देखिए अब दो टर्म में अंतर समझिए, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास बोलेगा तो 23 और 23 एमयू का मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये एक एटम का मास है क्लियर है, जैसे एमयू लगा दिया तो ये एक एटम का मास बदल गया और 23 बोले इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 23 है यानी एटॉमिक मास 23 है नो यूनिट। और जैसे ही आप एक एटम का मास निकालेंगे तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे एएमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास में से यानी 23 एटॉमिक मास है सोडियम का और 23 में एएमयू जोड़ दिए तो ये कितना एटम का मास बदल गया 1 एटम का मास बदल गया क्लियर है ठीक है। ठीक है समझना नया टर्म है जो वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इसको बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम
इन ग्राम, यानी किसी भी एटम के एटॉमिक मास को आप यदि ग्राम में लिख दोगे तो वो एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास बदल जाएगा। पहला डिफरेंस है, यानी सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, जैसे उसमें 23 ग्राम जोड़ दिए तो वो क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास में बदल गया। क्या लिखा, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यानी जैसे एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिख देंगे तो क्या बदल जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बदल जाएगा। और भी डिफाइन कर सकते हैं, और मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, ठीक है, वन मोल ऑफ एटम, एक मोल सोडियम एटम ले लीजिए, ठीक है, उसका मास कितना 23 ग्राम, यानी जैसे एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिखे ना वो कितने मोल का मास बन जाएगा, वन मोल का मास, वन मोल ऑफ एटम का मास को भी क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। यदि आप जैसे एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिए तो वो ग्राम एटॉमिक मास में बदल गया, और ग्राम एटॉमिक मास को आप बोल सकते हैं वन मोल एटम के मास, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, क्या मास ऑफ क्या वन मोल ऑफ एटम हमें लग गया 6.023 × 10³ एटम्स ऑफ सोडियम, यस, जिस एटम की बात करें उसकी बात, समझ में आ रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, देखना समझना, ठीक है, फाइंड आउट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हूं सल्फर, नोटेशन में लिखा हूं पूरा लिखा हूं। दूसरा, मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर, ठीक है। तीसरा पार्ट, मास ऑफ वन मोल ऑफ सल्फर। तो पहला ज्ञात करना एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है, एटॉमिक मास याद तो रखना पड़ेगा, तो मैं कितना 32, कोई भी नहीं, अभी मैंने बताया ना एटॉमिक मास क्या था, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय क्या, एम, तो ऊपर में भी मास नीचे में भी मास, तो मास मास का रेशियो यूनिट लेस होगा ना, तो सिर्फ हम एटॉमिक मास लिखेंगे तो 32 लिखेंगे, और जैसे 32 एम एल बी, इसका मतलब कितने एटम का मास, एटॉमिक मास में अभी तो बताया कि एटॉमिक मास में एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन एटम का मास, और जैसे ही एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे इसका मतलब वो कितने मोल का मास, वन मोल एटम का मास, समझ में आ रहा है। एटॉमिक मास को ग्राम में जैसे लिख दिया तो कितने मोल का मास बदल जाएगा, वो वन मोल एटम का मास बदल जाएगा, ठीक है। यानी 32 ग्राम जो है वो वन मोल सल्फर का मास है, तो तीनों में क्लियर कर लो, 32 जो है एटॉमिक मास है, और 32 ए भी हो गया एटम, वन एटम ऑफ सल्फर का मास है, 32 ग्राम जो है वो वन मोल ऑफ सल्फर का मास है, क्लियर है। यानी कोई यूनिट नहीं लगाता है, एमयू लास्ट में लग जाए, ग्राम लग जाए, ठीक है, तो सारे का मीनिंग क्लियर होना चाहिए तुम्हें, पूरा क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको नोट करो आगे बता रहा हूं। अच्छा, इसके बदले ये भी अच्छा कर रहा, मास ऑफ वन मोल ऑफ सल्फर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मास ऑफ क्या 6.023 × 10³ एटम्स ऑफ सल्फर, यानी 6.023 × 10³ एटम्स ऑफ सल्फर का मतलब वन मोल ऑफ सल्फर ही हो गया ना, यानी जैसे ही एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिख देंगे यानी वह वन मोल का मास बदल जाएगा, वन मोल ऑफ किसका, एटम का मास बदल जाएगा, मतलब वन मोल ऑफ एटम के मास में बदल जाएगा, मतलब क्या कन्वर्ट हो जाएगा, बोल सकते हैं वन मोल ऑफ एटम के मास के बराबर होगा वो, ठीक है।